अगर बात शिक्षा की करें तो ट्विन सिटी भिलाई में टाउनशिप क्षेत्र में बने स्कूल अपनी अमिट छाप छोड़ते नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक बार पुनः SNG विद्यालय सेक्टर 4 में इस बात को साबित किया है। उसकी शिक्षा प्रणाली काफी बेहतर है और उनके स्कूल से भी 10वीं और 12वीं के CBSE बोर्ड में टॉपर्स बने हैं। हमने भी इन टॉपर्स से चर्चा की और जाना कि किस तरह से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और किस किस के मार्गदर्शन में ये बच्चे आज टॉपर की लिस्ट में शामिल हुए हैं। वह स्कूल की प्राचार्या ने भी अपने पूरे स्टाफ द्वारा सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की बात कही है। एजुकेशन हब भिलाई, शिक्षा धानी भिलाई, यहाँ पर अनेकों स्कूल संचालित किए जाते हैं। उनमें से एक है SNG स्कूल। SNG स्कूल के बच्चे हर वर्ष 10th और 12th में अच्छा अपने रिजल्ट ला करके स्कूल और राज्य का नाम रोशन करते हैं। आज 10th क्लास के दो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करते हुए, अच्छा परसेंट प्राप्त करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। सबसे पहले जो फर्स्ट हैं, तुम फर्स्ट हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रकांत साहू। क्या रैंक है तुम्हारा? फर्स्ट पूरे स्कूल में। तो परसेंटेज कितना है? 93.4%। अपनी सफलता का श्रेय कैसे किसे देते हैं? ऑल टीचर्स ऑफ माय क्लास 10 और किस तरह पेरेंट्स। आजकल सोशल मीडिया में आकर के बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? ऐसे वैसे सोशल मीडिया भी बहुत हेल्पफुल होता है इन सब चीज़ों के लिए, बट स्कूल भी एक अच्छा परफॉर्म, मतलब स्कूल में आप डिसिप्लिन में रह सकते हो। उसमें क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कूल वाले बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट किए हैं। वैसे सभी टीचर्स जो हैं वो फेवरेट होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से टीचर जो ज़्यादा तुमको करीब हों और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं? थारा मैम एंड वल्सा मैम। आपकी मम्मी बैठी हुई है, वो भी मुस्कुरा रही है, उनसे जानेंगे कैसा लगा आपका बच्चा टॉप रहा? अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा इतना अच्छा नंबर से पास हुआ है, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं था इतना अच्छा लगेगा करके, उम्मीद से ज्यादा ही लाया है। क्या सपने देखते हैं उसको लेकर? मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ अपने बेटे में। क्या बनाना चाहेंगे उसे? जो उसका मर्जी, जो भी बनना चाहे वो। पिताजी भी धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, ये जो आंख से जो आंसू है ना वो खुशी का निकल जाता है। मैं खुशी सोचा ही नहीं था कि मेरा बच्चा इतना टॉप करेगा, वो भी 2 साल हुआ स्कूल में आए, उसको बचपन से जो पढ़ रहे थे उनको सबको कवर करते 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 आज पहला रैंक पे आ गया, बहुत अच्छा लगा। और स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो स्कूल का जो ये है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आने से जो सम्मान जो मिलता है बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट के पालक काफी उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं, और एक और छात्रा है हमारे साथ जिन्होंने भी अच्छे रैंक प्राप्त किए। बताएंगे अपना नाम? अंशिका शर्मा। क्या परसेंट है? 90%। अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? टीचर्स एंड फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स। जैसा कि मैंने अभी उससे ही पूछा कि कोई टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत करीब होते हैं और जिनकी पढ़ाई, जिनका बोलना हमको बहुत मोटिवेट करता है, कौन है? तारा मैम एंड सोनाली मैम। तारा मैडम का नाम उसने भी लिया था। पालक पप्पा बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैडम, इतना अच्छा नंबर लाई और पेरेंट्स मतलब टीचर वगैरह जितने इनका हेल्प किए उससे अच्छा लगा, और बच्चे भी काफ़ी मेहनत किए और यहाँ एक्स्ट्रा क्लास वगैरह चल रही थी, जो बच्चे लोग पे विशेष रूप से ध्यान दे रही थी टीचर वगैरह लोग, इसलिए बच्चे भी मेहनत किए तो अच्छे नंबर लाए, हम लोग खुश हैं इसमें जी। क्या बनाने का सपना देखते हैं? जैसे बच्चे तो अपने से ही सब्जेक्ट चुनते हैं और अपना लक्ष्य खुद ही प्राप्त करते हैं, आप क्या सपना देखते हैं उसको लेकर? मैडम क्या सपना, बच्चे जो करना चाहेंगे अभी अभी तो ये चॉइस करेंगे अपना सब्जेक्ट, उस हिसाब से देखेंगे। देखेंगे, मम्मी भी बहुत मुस्कुरा रही हैं और काफी देर से बोलने के लिए उत्सुक है, उनसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपकी बेटी? बहुत खुशी लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी इतना अच्छा रैंक लाई, पूरे स्कूल का हमारे घर का पूरा रोशन कर रही है नाम, बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या बनाना चाहती हैं, क्या सपना देखती हैं उसके लिए? अब ये तो इनका तो इंटरेस्ट है बायो में, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं इसको हम लोग जी। उन्होंने बोला कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, तुम क्या बनना चाहती हो मम्मी? मैं एक्चुअली मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ और मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं उसके लिए मुझे, तो बस ये। SNG स्कूल में पढ़ने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कराते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं टीचर्स भी और पेरेंट्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो उसी का रिजल्ट। तो ये थे दोनों बच्चे, इन्होंने अच्छा परसेंट लाकर, अच्छे मार्क्स लाकर, फर्स्ट आकर अपने स्कूल और घर का नाम रोशन किया है, साथ ही प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ACN न्यूज़। तो SNG स्कूल में 10th का भी है, हमने आपका बताया बच्चों का और उनके मार्क्स दिखाए और उन्होंने बच्चों ने अनुभव बताए, और इसी तरह में 12th की जो छात्रा है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम क्या है तुम्हारा? पी झांसी। क्या रैंक आया तुम्हारा? मेरा फर्स्ट रैंक आया। और सब्जेक्ट क्या था?
कॉमर्स। कॉमर्स। अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? मैं अपने पूरे स्कूल को, फैमिली को, टीचर्स। पूरे स्कूल में कोई ऐसी टीचर्स, कोई ऐसी मतलब साथी जो ज्यादा मोटिवेट करती होंगी? सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मेरे सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास टीचर्स, इनका स्पेशल वो है। और यहाँ की फैकल्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सारे फैसिलिटीज बहुत अच्छे थे, सब ने सपोर्ट किया बहुत ही अच्छे से, प्रिंसिपल मैम, टीओ अनिल सर और आवर प्रेसिडेंट और विनय पीताम्बरम सर, सब ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था, सपोर्ट भी किया था। 12th का जो रिजल्ट, इसे कहते हैं भविष्य का दरवाज़ा, उसके आगे क्या करने का सोचा था? मैंने अपना CMA ऑफिसर बनने का मेरा वो है, मतलब लक्ष्य है, तो मुझे वही करना है। सोशल मीडिया में उलझ के बच्चे पढ़ाई से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? हमेशा सोशल मीडिया बुरा नहीं है, उससे मैंने अपनी पढ़ाई भी किया है सोशल मीडिया से, मीन्स अपने YouTube वगैरह सब, हमेशा बुरा ही नहीं है, अच्छा भी है, बस यही है, इसका अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए बस। बिल्कुल सही कहा ना उन्होंने कि सोशल मीडिया का सही उपयोग करें बच्चे तो ज़्यादा अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। कि पापा मौजूद हैं और काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताएंगे आपको कैसा लगा? बहुत खुशी मिली। शाला प्रबंधन के लिए क्या कहना चाहेंगे? शाला प्रबंधन बहुत मदद की है, बच्चों लोगों को बहुत मोटिवेट किए हैं, यानी अब कोई शिकायत तो मिला नहीं है लड़की की तरफ से, कि पूरा टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। इसने तय कर लिया इसे क्या बनना है, क्या सपना है? उनके पीछे खड़े हैं, उनके CMA ऑफिसर बनना चाहती है, इसके पीछे हमेशा हम खड़े हैं। पापा कह रहे हैं CMA ऑफिसर बनना चाहती है ये, और हम इसके साथ खड़े हैं, इसकी सफलता के साथ ही अपनी खुशियां भी साझा कर रहे हैं। तो आपने भी देखा कि SNG स्कूल के बच्चे काफ़ी पढ़ाई में आगे हैं, और नैतिक शिक्षा हो, सारी शिक्षा हो, सभी तरह की पढ़ाई करते हुए यहाँ पर आगे अपने स्कूल का, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रही, आज स्कूल का ही सीजन था और स्कूल के लिए ही हमने सही बच्चों के साथ शुभकामनाएं देते हुए आपके साथ। SNG स्कूल की प्रिंसिपल मैम है ई भारती मैडम, बच्चों से तो हमने आपको रूबरू कराया, और बच्चों को जो है जो पढ़ाने वाली उच्च शिक्षा देने वाली स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है उनसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्लास 10 की रिजल्ट 100% रही, और क्लास 12 की भी 92% 93% रहा, और इसके पीछे हमारी टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और हमें सपोर्ट भी मैनेजमेंट का बहुत मिला, जिसके कारण हम अच्छे सक्सेस पॉइंट में पहुंच पाए। और मैं जितने भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मेहनत से रंग लाए, उनको फ्यूचर के लिए भी सक्सेस के लिए बेस्ट ऑफ लक देती हूँ। हमें जो भी बच्चे वीक हैं उनके पेरेंट्स से, वीक तो नहीं बोलूँगी, जिनका थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान नहीं था, उनके पेरेंट्स को बार बार कांटेक्ट किया गया, उनको कॉल किया गया, उनके रिमार्क्स लिखा गया, बच्चे किस तरफ कौन से सब्जेक्ट में उनकी कमियाँ थी और कौन से चैप्टर्स में उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी, उस पर स्पेशली टीचर्स ने वर्क किया है। 6 सैंपल पेपर्स हमने स्पेशली उनको बैठा के 3 आवर्स बच्चों को करवाया है। जो भी बच्चे चाहते थे कि हमको थोड़ा एक फियर नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम देने का, जो 3 आवर्स उन लोग फियर फील करते थे, उसको हम लोग 5-6 क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे 3-3 घंटे बैठा के प्रैक्टिस कराए, ताकि उनको समझ में आए कि कितने टाइम लिमिट में क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस को हमको पहले अटेम्प्ट करना। और ये सब के पीछे हमारे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे, और हम जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, मैनेजमेंट को कोई भी चीज़ बोला जाता था तो वो हमको पूरा फुल सपोर्ट किए। सो इस रिज़ल्ट के पीछे हमारे मैनेजमेंट का भी हाथ है। तो प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि बच्चों की मेहनत के साथ साथ स्कूल की फैकल्टी मैनेजमेंट का भी योगदान रहा है बच्चों के अच्छे रिजल्ट और अच्छे मार्क्स लाने के लिए, साथ ही वो बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करती दिल से, और लगातार उच्च शिक्षा देने के लिए वो संकल्पित भी रहती।